ये बल्ब से लगते हैं, देख लीजिए ये प्लांट, इसकी पहचान है कि ये बल्ब से कृष्णा लगते हैं। हरे कृष्णा 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज देवकी नंदन। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। ये एक प्लांट लगाने वाली हूँ, ये वाले, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको भी लगाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन ये कॉमन राइस हस्क सैंड और सॉइल के मिक्सचर में और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी इसकी मिट्टी में। और इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं इसका नाम आपको स्क्रीन में शो कर दूँगी। तो ये प्लांट को मुझे लगाना है, इसकी मैं दो कटिंग लेकर आई हूँ। देखिए, एक में फूल है, इसके फूल इस टाइप के होते हैं और एक में नहीं है, ये छोटे छोटे कटिंग हैं। तो इसे भी मुझे लगाना है और आपको मैं दिखाती हूँ। एक हाइबिस्कस है जिसकी कटिंग को मैं लेकर आई हूँ और ये अच्छा कटिंग है, ये मुझे लग रहा है कि लग जाएगा। और ये छोटी सी कटिंग है, अगर लग जाए तो बहुत सुंदर है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के हाइबिस्कस है। तोड़ना मना था लेकिन फिर भी मैंने इतनी छोटी सी डंडी को लिया है और देखती हूँ, अभी बारिश का टाइम है, अगर लग जाए तो बहुत अच्छा। इसे भी मैं नए तरीके से लगाऊंगी। राखी बेल मेरे हाथ में है तो मैं क्या करती हूँ कि इसकी कटिंग को मैं आज ग्रो करती हूँ और बिल्कुल ही नए तरीके से। और ये प्लांट प्रायः खरीद कर ही हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं, लेकिन आज मैं ये राखी बेल को इसकी कटिंग आज ग्रो करूँगी और बहुत ही नए तरीके से। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और राखी बेल की कटिंग मैं कैसे लगाती हूँ ये देख लीजिए आप लोग। इसको क्या करना है इतनी देर में, देखिए ये प्लांट को मैं कट करके नहीं लगाऊंगी, ये प्लांट को मैं पूरा ही लगाऊंगी। तो इसे क्या करना है, ये सुलाकर मुझे लगाना है। तो जितने भी ये नोड एरिया है, जहां से पत्ते निकल रहे हैं, ये देखिए इसके अपोजिट यहां पर मुझे थोड़ा स्क्रैच करना है, ये देखिए इस टाइप से। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग, और बहुत 100% रिजल्ट है इसका, मुझे पता है। मैंने पर्पल कलर के राखी बेल को इस टाइप से लगाया है और वो प्लांट मेरे पास अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इस तरह से वाइट हो जाए उतना ही स्क्रैच करना है, काटना नहीं। जितने भी नॉड एरिया है, जैसे जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, देखिए इस जगह में थोड़ी सी स्क्रैच करनी है, थोड़ा सा व्हाइट नजर आ जाए उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। ये देखिए इस टाइप के जितने भी है जगह, इस टाइप से स्क्रैच कर देना है। आप लोग गौर कीजिएगा, पत्ता नीचे है और ऊपर मैं कर रही हूं, और ये देखिए कलियां हैं, इसके नीचे मैं कर रही हूं। इसका रिजल्ट 100% मिलता है, मुझे पता है इसका रिजल्ट। और इस टाइप से मैंने कैलामिटीज के प्लांट को भी लगाया है, उसके भी यही गुण है लगभग, इसी टाइप से उसमें भी फ्लावरिंग होती है। कैलामिटीज जिसे कि रंजाई बेल के नाम से जाना जाता है वेस्ट बंगाल में, और इस टाइप से हो गए। अब क्या करना है, ये सारे जगह में आपको एलोवेरा लगाना है। सारे जगह में आपको इस टाइप से एलोवेरा लगा देनी है आपको। अच्छी तरह से आपको लगा देनी है। आप लोग देख पा रहे होंगे, आप थोड़ा सा ये सब जो कटिंग ग्रो करें तो थोड़ी सी शांति पूर्वक करें, थोड़ा सा टाइम लेकर करें, प्लांट भी प्यार मांगता है। आप इस टाइप से मैं इसमें लगा देगा, सारे ही जगह में मुझे लगा देना है जहां जहां मैंने स्क्रैच किया है। ये लग गए, अब आपको थोड़ी देर इसको इस तरह से छोड़ देना है, ये नहीं कि तुरंत में आपको मिट्टी में लगा देनी है। तो थोड़ी देर आप इसे इस तरह से छोड़ दीजिए। अब
अब इसका जो है राइस हस्क है, सैंड है और मिट्टी है, और इसमें कुछ भी आपको नहीं डालना है, लेकिन बारिश का टाइम है तो आपको थोड़ी सी आपको फंजीसाइड डालना है जो कि ऑर्गेनिक हो, केमिकल नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने लिया है इसमें ट्राइकोडर्मा, वाइट कलर के जो आते हैं, केमिकल डालने से होता क्या है कि हमारे मिट्टी में जो केचुआ होते हैं, जो किसान का दोस्त होता है, वो मर जाते हैं, तो इतनी मिट्टी नहीं चाहिए मुझे। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देव की नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके। इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी लेनी है, मिट्टी में राइस हस्क हो या सैंड हो, जो कि वेल ड्रेन सॉइल बनाए आपकी, और सिर्फ मिट्टी हो और कुछ भी ना हो। अभी आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट भी डालने की जरूरत नहीं। आप सिंपल सी गार्डन सॉइल और वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए या तो सैंड का यूज कीजिए या फिर राइस हस्क का यूज कीजिए। अब एक फैले हुए कंटेनर में इस पॉट में लेना है, और हो सके तो जैसे अच्छी तरह से मिट्टी चाल कर आप ले, इस टाइप से पत्थर ना आए। इसमें पानी डाल देना है, अच्छी तरह से आप पानी डाल दीजिए। कोई भी प्लांट की कटिंग आप लगा रहे हैं तो कोई भी केमिकल का यूज ना करें, क्योंकि कटिंग खुद ही अभी लगने वाला है, केमिकल से उसके जड़ डैमेज ना हो जाए। जो स्क्रैच किए हुए पार्ट है उसको नीचे रखना है इस टाइप। इस टाइप से मैंने एक्स्ट्रा पत्तों को नहीं तोड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्ते बहुत जरूरी है कोई भी इस टाइप से प्लांट लगाने के लिए। जिस जिस जगह में आपने स्क्रैच किया था वहां पर आपको मिट्टी डालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको मैं बताती हूँ, जो कि 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको लेना है इस टाइप के पत्थर। अब ये पत्थर को उसके ऊपर में ऐसे रख देना है दबाकर इस टाइप से, या तो आप हेयर क्लिप कोई भी तार की यू बनाकर ऐसे करके फंसा दे, या फिर इस टाइप से पत्थर रख दे। मुझे लगता है कि पत्थर रखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है कि तार जब हम लोग यू करके लगा देते हैं तो वो स्टेम में जब सट जाते हैं और हम लोग वाटरिंग करते हैं तो वो हैम्पर करता है कटिंग को, डंडियों को हैम्पर करता है। ये भी मैं निकाल देती हूँ, ये देखिए, इसे निकाल देते हैं। ये देखिए, जहाँ जहाँ आपने दबाया है मिट्टी में वहाँ वहाँ इस टाइप से कुछ भारी चीज, छोटा छोटा गमले का टुकड़ा ही आप। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देव की नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे, भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया।
कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।